गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में बन रहे विधानसभा के नवीन भवन निर्माण की प्रगति की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में की। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि नए विधानसभा भवन का निर्माण कार्य 66% पूर्ण हो चुका है। दिसंबर तक स्ट्रक्चर का निर्माण पूरा होगा, इसके बाद इंटीरियर का काम शुरू होगा। डॉक्टर रमन ने बताया कि छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन देश के लिए एक उदाहरण बनेगा। ये भवन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से रोशन होगा। मुख्यमंत्री निवास में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी और फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी और संसदीय कार्य मंत्री बिजमोहन जी, मुख्य सचिव और विभाग के पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग के प्रमुख अधिकारियों के साथ आज एक समीक्षा बैठक रखी गई। मूल उद्देश्य नवीन विधानसभा भवन, विधायक विश्राम गृह तथा विधानसभा के अधिकारी कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण के लिए एक बैठक थी। इसके पहले 13 फरवरी 2024 को विधानसभा के अंदर एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें कुछ निर्णय लिए गए थे और फरवरी के बाद आज हम बैठे हैं। तो इस बात की समीक्षा की गई कि जो खासतौर से विधानसभा भवन के निर्माण की प्रगति क्या हुई, तो उस समय प्रस्तुत किया गया 33% निर्माण कार्य पूरे कर लिए। आज जो प्रस्तुतिकरण हुआ विभाग ने रखा, उसमें कहा गया कि 66% निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और टारगेट उन्होंने बताया जो 66% इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण पूरा होगा। उनका लक्ष्य ये है कि दिसंबर आते आते ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा काम इस साल पूरा कर लेंगे और मार्च और अप्रैल आते आते जो इंटीरियर का काम है, जो दूसरे अन्य काम है जिसमें आज काफी खुल के चर्चा हुई, सोलर के द्वारा 100% ऊर्जीकृत विधानसभा होगा। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का एक एग्जाम्पल बनेगा जहां अपनी आवश्यकता के पूरे ऊर्जा हम वहीं पे बनाएंगे, इसके लिए भी आज विषय हुआ। ग्रीन होगा और वाटर हार्वेस्टिंग का एक सिस्टम पूरे विधानसभा परिसर के 14 हेक्टर एरिया को डेवलप करेंगे, एक पॉन्ड बनेगा और उसके साथ एक प्लांटेशन की कार्य योजना। सिर्फ कंक्रीट के निर्माण के लिए हमने जोर नहीं दिया, हमने जोर दिया कि परिसर हरा भरा हो। पूरे देश प्रदेश और देश के लोग आते हैं तो छत्तीसगढ़ की हरियाली का प्रतिबिंब छत्तीसगढ़ विधानसभा में दिखना चाहिए। उसके लिए कार्ययोजना बना के फॉरेस्ट, हॉर्टिकल्चर और अन्य विभाग ड्रिप के द्वारा इरिगेशन कैसे कर सकते हैं, वाटर सेविंग और रिचार्जिंग में काम कैसे हो सकता है, इन विषयों पे काफी डिटेल चर्चा हुई और एक समयबद्ध कार्यक्रम तय किया गया कि इसको और इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक अच्छी बात हुई कि चीफ सेक्रेटरी के द्वारा हर महीने एक बार बैठकर सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ इसकी विभाग वाइज समीक्षा करेंगे और उसके प्रोग्रेस के बारे में मुख्यमंत्री जी को जानकारी देंगे कि कहां तक गया है। दूसरा, विधायकों के लिए विधायक विश्राम गृह जो विधायकों के लिए हम देते रहे हैं उसके लिए छेड़ी केड़ी में स्थान स्वीकृत करने का काम हुआ है और उसमें भी 37 एकड़ जमीन को आइडेंटिफाई करके उसके आगे की कार्रवाई हो। अधिकारी और कर्मचारियों के निवास के लिए भी जो काम चल रहा है उसकी प्रगति देखी गई और प्रगति को और कैसे आगे बढ़ाया जाए। छत्तीसगढ़ के नए रायपुर में जो हमारे भवन बने हुए हैं, जो खाली हैं, उनको हम अपने कर्मचारियों को किस प्रकार दे सकते हैं उनके साथ बैठ के बात करके, ताकि उस भवन का भी उपयोग हो, कर्मचारियों को बना बनाया मकान भी मिले और उनको कम कीमत पे थोड़ी सुविधा के अनुसार वो आवास हम प्रदान कर सके। इस विषय में भी एक कार्ययोजना बनाने के संबंध में विभाग को चर्चा किया, क्योंकि नए रायपुर के ओपी चौधरी भी थे, बाकी लोग भी थे। इस विषय को लेकर डिटेल आज चर्चा और बातचीत हुई। मुझे लगता है कि अब कम से कम समयबद्ध तरीके से इसके डेवलपमेंट जो 66% हुआ है, मुझे लगता है कि इसकी रफ्तार बढ़ेगी और समय के अनुसार काम होगा, ताकि
छत्तीसगढ़ विधानसभा को बेहतर तरीके से इसकी शुरुआत की।